वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में अपन किस चीज़ को डिस्कस करेंगे? जो अपने फेस की जो बोन है, पैलेटाइन बोन जो है अपने फेस की, उस पर क्या अपन डिस्कस करेंगे। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो अपना प्रीवियस लेक्चर है, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने किस चीज़ पर डिस्कस किया था? जो अपने फेस की जो बोन है उनके बारे में डिस्कस किया था, और एक बार उनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फेस, द स्केलेटन ऑफ द फेस इज फॉर्म बाय 13 बोन इन एडिशन टू द फ्रंटल बोन। जो स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर जो अपना फेस है वो क्या है, 13 बोन से क्या है, मिलके बना हुआ है, जिसके अंदर क्या है, अपने जो फ्रंटल बोन है उसको ऐड किया गया है। इसके अंदर क्या है, दो जाइगोमेटिक बोन होती हैं, एक मैक्जिला होती है, दो नेजल बोन होती हैं, दो लैक्रिमल होती हैं, एक वोमर होती है, दो पैलेटाइन होती हैं, दो इन्फीरियर कॉन्क्ले होते हैं, और एक मैंडिबल होता है। ये क्या है, इसकी बोन होती हैं टोटल। कौन सी होगी? दो जाइगोमेटिक, एक मैक्जिला, एक नेजल, एक दो लैक्रिमल, दो नेजल, वोमर, पैलेटाइन, इन्फीरियर कॉन्क्ले और एक मैंडिबल। इन सभी बोन से क्या है, अपना जो फेस है उसकी स्ट्रक्चर बनती है। नेक्स्ट जो है डायग्राम दिखाया गया। डायग्राम के अंदर क्या है, बोन ऑफ द फेस, फेस की कौन सी बोन है उनका क्या है, एंटीरियर व्यू दिखाया गया है। तो इसके अंदर क्या है, फ्रंटल बोन है, ठीक है, फोरहेड की बोन हो गई, नेजल बोन है, नेजल की हो गई, पैराइटल हो गई, दोनों तरफ दो टेम्पल होती है, सिफ्नोइड हो गई, लैक्रिमल हो गई, जाइगोमेटिक हो गई, इथमोइड हो गई, वोमर हो गई, मैक्जिला हो गया, मैंडिबल हो गया, ठीक है, ये तो क्या है, बोन दिखाई गई है। देन आफ्टर इसके अंदर क्या है, तीन फोरामेन दिखाए गए हैं, एक सुप्रा ऑर्बिटल दिखाया गया है, एक इंफ्रा ऑर्बिटल और एक मेंटल। ये क्या है, तीन फोरामेन इस डायग्राम में शो किए गए हैं। तो इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है, फ्रंटल, नेजल, पैराइटल, टेम्पोरल, सिफ्नोइड, लैक्रिमल, जाइगोमेटिक, इथमोइड, वोमर, मैक्जिला और मैंडिबल। ये क्या है, अपनी बोन है, और ये तीन क्या है, इसके अंदर फोरामेन दिखाए गए हैं, सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन, इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन और मेंटल फोरामेन। बोन जो है उसका एंड फेस का जो है एंटीरियर व्यू का डायग्राम है ये। नेक्स्ट क्या है, जाइगोमेटिक और चिक बोन। जाइगोमेटिक बोन को ही अपन क्या है, चिक बोन बोलते हैं। जो अपने चिक के अंदर प्रेजेंट बोन होती है वो कौन सी होती है, जाइगोमेटिक बोन होती है। द जाइगोमेटिक बोन फॉर्म द प्रोमिनेंस ऑफ द चिक एंड पार्ट ऑफ द फ्लोर एंड लेटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिटल केविटी। द जाइगोमेटिक बोन फ्रॉम द प्रोमिनेंस ऑफ द चिक, ठीक है, क्या है, चिक बनता है इनसे, एंड पार्ट ऑफ द फ्लोर
एंड लेटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिटल केविटी, जो अपनी ऑर्बिटल केविटी है उसकी लेटरल वॉल है वो अपनी जाइगोमेटिक और चिक बोन के द्वारा ही फॉर्म होती है। नेक्स्ट है मैगजिला और अपर जाबोन। दिस ओरिजिनेट एज टू बोन बट फ्यूजन टेक प्लेस बिफोर बर्थ। ये क्या है, दो बोन होती हैं किंतु क्या है, एक बन जाती है इनकी कब, बर्थ से पहले ही फ्यूजन हो जाती है और एक बन जाती है। द मैगजिला फॉर्म द अपर जा, मैगजिला क्या बनाती है, अपर जा की फॉर्म करती है द एंटीरियर पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ, और एंटीरियर पार्ट जो अपने किसका माउथ का, उसके रूफ के परफॉर्म करती है द लेटरल वॉल ऑफ द नेजल केविटी, नेजल केविटी का लेटरल वॉल एंड द पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द ऑर्बिटल केविटी, और ऑर्बिटल केविटी का फ्लोर का निर्माण करती है। तो मैगजिला जो है वो क्या करती है, अपर जा का बनाती है एंटीरियर पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ, माउथ का रूफ हो गया, लेटरल वॉल ऑफ द नेजल केविटी, नेजल केविटी की लेटरल केविटी हो गई, एंड फ्लोर ऑफ द ऑर्बिटल केविटी, और जो अपनी ऑर्बिटल केविटी है उसकी क्या है, जो रू फ्लोर है उसका निर्माण करती है। द एलवेलियर रिज और प्रोसेस प्रोजेक्शन डाउनवर्ड एंड कैरी द अपवर्ड टीथ ऑन ईच साइड, देर इज ए लार्ज एयर साइनस, प्रत्येक साइड के अंदर क्या है, लार्ज एयर साइनस प्रेजेंट होते हैं। द मैक्सिलरी साइनस लाइन विद सीलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन विद ओपनिंग इन टू द नेजल केविटी, प्रत्येक साइड के अंदर क्या है, लार्ज एयर साइनस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं मैक्सिलरी साइनस होते हैं, लाइन विद द सीलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन, किससे लाइनेड होते हैं, सीलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन से, एंड विद ओपनिंग इन टू द नेजल केविटी, और ओपनिंग कहाँ पे होती है इनकी, नेजल केविटी के अंदर क्या है, इनकी ओपनिंग होती है। नेक्स्ट अपनी है नेजल बोन। दीज आर टू स्मॉल फ्लैट बोन विच फॉर्म द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लेटरल एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्रिज ऑफ द नोज, देर आर टू स्मॉल फ्लैट बोन, ये क्या है, दो स्मॉल फ्लैट बोन होती है विच फॉर्म द ग्रेटर पार्ट ऑफ द, क्या बनाती है, परफॉर्म द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लेटरल एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्रिज ऑफ द नोज, नोज का जो ब्रिज है वो सुपीरियर और लेटरल दोनों क्या है, ये बनाते हैं।
नेक्स्ट अपनी है लैक्रिमल बोन। दीज टू स्मॉल बोन आर पोस्टीरियर एंड लेटरल टू द नेजल बोन एंड फॉर्म द पार्ट ऑफ द मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी। क्या है, दो स्मॉल बोन है, ठीक है, आर पोस्टीरियर एंड लेटरल टू द नेजल बोन, ठीक है, एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी। और जो अपनी मीडियल वॉल है ऑर्बिटल कैविटी का, उसकी क्या है, बनाती है। ईच इज प्रिसाइड बाई ए फोरामेन फॉर द पासेज द नेजो लैक्रिमल डक्ट विच कैरी द टीयर फ्रॉम द मीडियल कैंथस ऑफ द आई टू ऑफ द आई टू द नेजल केविटी। नेक्स्ट है वोमर। द वोमर इज ए थिन फ्लैट बोन विच एक्सटेंड अपवर्ड फ्रॉम द मिडिल ऑफ द हार्ट पैलेट टू द फॉर्म द मेन पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम। सुपीरियरली इट आर्टिकुलेट विद द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द इथमॉइड बोन। ठीक है, वोमर क्या है, वोमर एक थिन फ्लैट बोन है विच एक्सटेंड अपवर्ड फ्रॉम द, कहाँ से कहाँ तक, मिडिल मेडियल ऑफ द हार्ट पैलेट टू द मेन पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम तक। क्या है ये, पहले भी है। सुपीरियरली इट आर्टिकुलेट विद द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द इथमोइड बोन। सुपीरियरली किसके साथ आर्टिकुलेट रहती है, ये परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द इथमोइड बोन के साथ क्या है, ये आर्टिकुलेट रहती है। नेक्स्ट है पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन में कहता है दीज आर टू एल शेप बोन। ये क्या है, दो एल शेप की क्या है बोन होती है। द होरिजोंटल पार्ट अंटिल टू द फॉर्म द पोस्टियर पार्ट ऑफ द हार्ट पैलेट एंड द परपेंडिकुलर पार्ट प्रोजेक्ट अपवर्ड टू द फॉर्म पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी। एट द अपर पार्ट एक्सट्रीमिटीज दे फॉर्म पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी। तो पैलेटाइन बोन क्या है, दो बोन होती हैं, एल शेप की बोन होती हैं, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल पार्ट अंटिल टू फॉर्म द पोस्टियर पार्ट ऑफ द हार्ट पैलेट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पार्ट क्या है, द हॉरिजॉन्टल पार्ट अंटिल टू फॉर्म द पोस्टियर पार्ट ऑफ द हार्ट पैलेट एंड परपेंडिकुलर पार्ट, जो परपेंडिकुलर पार्ट है उसकी क्या पोजिशन होती है, पार्ट प्रोजेक्ट अपवर्ड टू फॉर्म पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द नेजल केविटी। आफ्टर देयर अपर एक्सट्रीमिटीज दे फॉर्म पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल केविटी। ये क्या बनाती है लास्ट में, ऑर्बिटल केविटी।
नेक्स्ट है इन्फीरियर कॉन्क्लिया। इन्फीरियर कॉन्क्लिया में क्या होता है, ईच कॉन्क्लिया इज ए स्क्रोल शेप बोन। जो कॉन्क्लिया है वो कैसा होता है, स्क्रोल शेप बोन होता है विच फॉर्म पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी एंड प्रोजेक्ट इन टू द बिलो द मिडिल कॉन्क्लिया। जो कॉन्क्लिया है वो किस टाइप का होता है, स्क्रोल से बोन होती है विच फॉर्म पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल, क्या बनाती है लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी बनाते हैं एंड प्रोजेक्ट इन टू द बिलो द मिडियल कॉन्क्लिया। द सुपीरियर एंड मैंडिबल एंड सुपीरियर एंड मिडिल कॉन्क्लिया आर पार्ट ऑफ द इथमोइड बोन। जो सुपीरियर और मिडिल कॉन्क्लिया है वो क्या है, इथमोइड बोन है, उसके क्या है पार्ट होते हैं। तो जो अपना इन्फीरियर कॉन्क्लिया है वो क्या है, स्क्रोल शेप बोन होती है, ठीक है, विच फॉर्म पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी एंड प्रोजेक्ट इनटू द बिलो मीडियल कॉन्क्लिया। सुपीरियर एंड मिडिल कॉन्क्लिया आर द पार्ट ऑफ द इथमोइड बोन। जो सुपीरियर और मिडिल कॉन्क्लिया है वो दोनों क्या है, पार्ट होते हैं किसके, इथमोइड बोन के। नेक्स्ट अपना है मैंडिबल। दिस इज ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल। यही क्या है, केवल एक मूवेबल बोन होती है किसकी, स्कल की। इट ओरिजिनेट एज टू पार्ट विच अंटिल एट द मिड लाइन। ये क्या है, दो पार्ट के अंदर बनी हुई, ईच हाफ कंसिस्ट ऑफ टू मैन पार्ट। जो हाफ है वो क्या है, कंसिस्ट ऑफ दो मैन पार्ट, वो भी क्या है, दो से बना हुआ है। तो मैंडिबल क्या है, दो से बनी हुई, और जो प्रत्येक है वो भी क्या है, दो से बना हुआ है। ए कर्व बॉडी विद द एल्वियर रिज कंटेनिंग द लोअर टिथ एंड रिमेन्स विच प्रोजेक्ट अपवर्ड ऑलमोस्ट एट द राइट एंगल ऑफ द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। तो मैंडिबल है, मैंडिबल क्या है, मैंडिबल इज द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल। मैंडिबल क्या है, केवल स्कल की ऐसी बोन है जो क्या है, मूवेबल है। इट ओरिजिनेट एज टू पार्ट विच अंटिल द मिड लाइन, ईच हाफ कंसिस्ट ऑफ टू मैन पार्ट। मैंडिबल दो से बना हुआ है, उसका जो प्रत्येक है वो भी क्या है, दो से बना हुआ है। कर्व बॉडी विच द एलर रिज कंटेनिंग द लोअर टिथ, ठीक है, लोअर टिथ से बनता है, एंड रिमेन विच प्रोजेक्ट अपवर्ड ऑलमोस्ट एट राइट एंगल टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। एट द अपर एंड द रिमेन डिवाइड इन टू द कॉन्डाइल लेयर प्रोसेस विच आर्टिकुलेट विद द टेम्पोरल बोन टू फॉर्म द टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट एंड द कोरोनॉइड प्रोसेस दैट गिव अटैचमेंट टू द मसल्स एंड लिगामेंट। जो अपर एंड है वहाँ पे क्या है, रिमेन्स डिवाइड इन टू कॉन्डाइल लेयर प्रोसेस विच आर्टिकुलेट विद द टेम्पोरल बोन, किससे रहता है टेम्पोरल बोन, टू फॉर्म द टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट, किसके द्वारा टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट के द्वारा, एंड कोरोनरी प्रोसेस दैट गिव अटैचमेंट टू मसल्स एंड लिगामेंट। और कोरोनरी प्रोसेस है वो क्या करती है, अटैचमेंट प्रोवाइड कराती है किसको, मसल्स और लिगामेंट को। देयर द पॉइंट वेयर द रिमेन जॉइंट
रैम्स जॉइंट द बॉडी इज द एंगल ऑफ द जॉ। ये क्या है? लेफ्ट मैंडिबल है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या दिखाया गया? कोरोनर प्रोसेस है, मैंडिबुलर नोच है, कॉन्डाइल प्रोसेस है, रैम्स जॉइंट है, एंगल ऑफ द मैंडिबल है, बॉडी है और मेंटल प्रोटेबेंस है। जो मैंडिबल है उसका क्या है? लेटरल भी दिखाया गया है लेफ्ट मैंडिबल का। नेक्स्ट अपनी हायोड बोन। दिस इज एन आइसोलेटेड हॉर्स शू शेप बोन। ये क्या है? हॉर्स शू शेप बोन होती है, लाइंग इन द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द नेक जस्ट अबव द लेरिंग्स एंड बिलो द मैंडिबल। कहाँ पे प्रेजेंट रहती है? हायोड इज ए आइसोलेटेड हॉर्स शू बोन। दिस इज ए आइसोलेटेड हॉर्स शेप शू शेप बोन लाइंग इन द सॉफ्ट पैलेट ऑफ द नेक जस्ट अबव द लेरिंग्स एंड बिलो द मैंडिबल। इट डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन बट इज अटैच टू द स्टोइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन बाई लिगामेंट। इट गिव अटैचमेंट टू बेस ऑफ द टंग। तो हायोड बोन क्या है? हायोड बोन हॉर्स शेप की बोन होती है। लाइंग इन द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द नेक। कहाँ पे रहती है? सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द नेक के पास क्या है? ये सिचुएटेड रहती है जस्ट अबव द लेरिंग्स, लेरिंग से जस्ट अबव एंड बिलो द मैंडिबल, और मैंडिबल से नीचे, लेरिंग से ऊपर और मैंडिबल से नीचे क्या है? हायड बोन की पोजिशन होती है। इट डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन। ये क्या है? किसी अदर बोन से आर्टिकुलेट नहीं होती बट इट अटैच्ड टू स्टर्ड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन बाई लिगामेंट। टेम्पोरल बोन के साथ क्या इसका कनेक्शन होता है? किसके द्वारा? लिगामेंट के द्वारा। इट गिव अटैचमेंट टू बेस ऑफ द टंग। और ये क्या प्रोवाइड कराती है? अटैचमेंट प्रोवाइड कराती है किसका? बेस ऑफ द टंग को।
नेक्स्ट है साइनस। साइनस कंटेनिंग एयर आर प्रेजेंट इन द स्फेनोइड इथमोइड मैक्सिलरी एंड फ्रंटल बोन। साइनस है वो क्या है एंड कंटेनिंग एयर एयर प्रेजेंट इन द स्फेनोइड इथमोइड मैक्सिलरी एंड फ्रंटल बोन। यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। दे आर कम्युनिकेटिव टू द नेजल कैविटी एंड आर लाइन विद द सीलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन। ये क्या है, किसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, नेजल कैविटी के साथ कम्युनिकेट करते हैं सभी के सभी, और यहाँ पे क्या है सीलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है। द फंक्शन आर टू रिजन्स टू द वॉइस टू लेंथ द बोन ऑफ द फेस एंड क्रेनियम मेकिंग इट इरेजर फॉर द हेड टू बैलेंस ऑन टॉप टू द वर्टिब्रल कॉलम। और क्या है ये बैलेंस के अंदर हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है फंडामेंट्स ऑफ द स्कल। जो डायग्राम है ये है उसके अंदर क्या है फंडामेंट्स भी दिखाया गया है। और उनके अंदर इनके सभी सूचर दिखाए गए हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया, ए में बी में स्फेनॉइड मैस्टर्ड हो गया, ठीक है। और जो सी है इसके अंदर क्या है चारों सूचर हो गए, कॉर्नल फ्रंटल सजाइटल और लैम्बडोरल सूचर दिखाए गए हैं। ए के अंदर क्या है फ्रंटल जो है वो अबो साइड से दिखाए गए हैं। बी डायग्राम के अंदर क्या दिखाए गए हैं साइड से दिखाए गए हैं। साइड से कौन से मिले अपने को स्फेनॉइड और मैस्टॉइड मिला है। और जो सी है सी के अंदर क्या है मेन जो सूचर है चार सूचर जो मेन है अपने, लैम्बडोरल सूचर है, सजाइटल सूचर है, फ्रंटल है और कॉर्नल सूचर है, ये क्या है दिखाए गए हैं। थैंक्स टू ऑल।